प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। प्रॉब्लम्स तो है सब के साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओहो काय मास्टर, मस्त दिख रहे हो बिड़े, क्या बात है, मराठी मानूस है। थैंक यू। और यह टोपी तो बहुत अप्रितम। इस टोपी की कहानी है जेठालाल। बाद में बताना भाई, याद नहीं। वैसे टोपी मेरे पास भी है भाई, ये देखो। अरे वाह, ये टोपी की थैली है। टोपी है भाई, देखो ये ऐसा। ओहो इसको बोलते है ताना पी निपाजा। मतलब तांबड़ा, नारंगी, पीवड़ा, हिरवा, नीला, पांडरा, जामड़ा, सातों के साथ रंग है ना इसमें। तुमने बोला था ना आज तो रंगारंग कार्यक्रम है, इसके लिए भाई रंगारंग कार्यक्रम यही करोगे क्या? कर्नल साहब आते होंगे। अरे हाँ भाई, हाँ चलो 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 चलो, बहुत काम है मुझे। बहुत अच्छा लग रहा क्या बबी, रोज ही तो पहनती हूँ मैं। तो भी बहुत अच्छा सच्ची साड़ी है। ओहो दिखने में कैसे होंगे वो कर्नल जैसे? वाजलाले नौ। मेरी घड़ी में भी 9 बजे। अरे मम्मी हम सब लोग रेडी है, प्रोग्राम कब चालू होगा? हाँ बेटे बस थोड़ी देर में होगा। हाँ और अरे अब्दुल भाई क्या हुआ, सब लोग कहाँ है? गेट पर है, अभी तक इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो चल के देखते हैं। चलो चलो अरे नहीं कहाँ, कब से रहा देख रहे हैं मन तुटे दिखते हैं कभी बोल नहीं। वही खड़ा है इधर अभी रात देख के। कितनी देर हो गई, अभी कर्नल साहब अभी तक नहीं आए। तो मेहता साहब आपको क्या लगता है कर्नल साहब आएंगे कि नहीं? छोड़िए मुझे तो पूरा यकीन है कर्नल साहब जरूर आएंगे। और अगर नहीं आए तो? तो नहीं आए। अय्यर भाई एक मिनट जरा शांति। मेहता साहब मेरा मतलब है अगर नहीं आए तो फिर वो मेडल का क्या करेंगे? अगर नहीं आए जेठालाल तो देखते हैं मेडल का क्या करना है। भाई मुझे नहीं लगता कि कर्नल साहब अब आएंगे, हमें उनकी राह देखना कैंसिल करना चाहिए और हमारे प्रोग्राम की शुरुआत करनी चाहिए। अरे सही बात है, शुरू करते हैं। हाँ हाँ चलो चलो शुरू कर दे। चला चलिए मेहता साहब, बराबर है चलो चलो भाई सब लोग। हाँ भाई आइए आइए शुरू करो। अरे जेठिया भिड़े छोड़ी। हाँ बाबूजी। ये देख सर, वेलकम वेलकम टू गोकुलम सोसाइटी। थैंक यू फॉर कमिंग।
नमस्ते कर्नल साहब। नमस्ते मैम, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आपका स्वागत है। देखिए कर्नल साहब, हम गोकुलधाम निवासी 26 जनवरी यूं धूमधाम से सज धज के एक त्योहार की तरह ही मनाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कर्नल साहब, ये गोकुलधाम सोसाइटी बिल्कुल हिंदुस्तान का एक छोटा सा स्वरूप है। आपको यहाँ हर रंग मिलेगा। आइए सबसे पहले तो मैं आपका सबसे परिचय करा दूं। मुझसे तो आप कल मिल ही चुके हैं। मैं तारक मेहता, मेरी पत्नी अंजलि तारक मेहता। नमस्ते। नमस्ते। और ये हमारे सोसाइटी के सबसे बुजुर्ग हमारे चाचा जी, बहुत आदरणीय, श्री चंपक लाल जयंती लाल गढ़ा। नमस्ते। और ये मैं उनका बेटा जेठालाल गढ़ा, ये मेरी पत्नी दया गढ़ा, और ये मेरा बेटा दीपेंद्र गढ़ा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं कच्छ से हूँ, कच्छ भुज है, ये अहमदाबाद गुजरात से, और इसका जन्म इधर ही हुआ था, ये महाराष्ट्र से। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, और ये मेरी धर्मपत्नी माधवी आत्माराम भिड़े, ये मेरी बेटी सोनू, और हम तीनों रत्नागिरी महाराष्ट्र से। और कर्नल साहब, मैं रोशन सिंह अरजीत सिंह सोडी, और मैं पंजाब से हूँ। ये मेरी सोनी प्यारी पंजाबन पारसी वोटी, और ये रोशनगढ़ सोडी, ये नवसरी से है, और हमारा पुत्र गुरचरण सिंह धोगी। कर्नल साहब, मैं कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर, मैं चेन्नई से हूँ, और ये मेरा वाइफ बबीता। मैं कोलकाता से हूँ। और मैं अब्दुल। मैं पत्रकार पोपट लाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस, मेरा मतलब है भोपाल मध्य प्रदेश से। जी, मेरा नाम डॉक्टर हंसराज हाथी है, और ये मेरी पत्नी कोमल हाथी, और ये मेरा गोल मटोल बेटा गोली हाथी। हम उत्तर भारत से हैं। सही बात है। क्या खाक सही बात है। कोई कहता है मैं गुजरात से हूँ, कोई कहता है मैं पंजाब से हूँ, कोई कहता है मैं महाराष्ट्र से हूँ, कोई चेन्नई, कोई कलकत्ता, कोई ये क्यों नहीं कहता कि मैं हिंदुस्तान से हूँ? क्यों नहीं कहता? आप लोगों को ये कहने में शर्म महसूस होती है कि हम हिंदुस्तानी हैं? हिंदुस्तानी होने का जज्बा जो सरहद पर लड़ते हुए जवान में है, वो आम हिंदुस्तानी में क्यों नहीं है? आप लोग अपनी अलग अलग पहचान अलग अलग टुकड़ों में देते हैं। कोई गर्व से ये क्यों नहीं कहता एक आवाज में कि हम हिंदुस्तानी हैं? मैं यहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहता। चलो सुजाता। अंकल आप प्लीज रुक जाइए ना। अंकल आप हमारा प्रोग्राम तो देखिए। अंकल मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारा प्रोग्राम देखोगे, आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएगी। अंकल प्लीज रुक जाइए ना। अंकल प्लीज, अंकल आप आइए ना प्लीज। अंकल प्लीज, प्लीज अंकल। ओके। मजबूत है क्या है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस करतल ध्वनि के लिए। मैं आप सभी का बेहद आभारी हूँ, और सबसे पहले मैं आपको गणतंत्र दिवस की संध्या पे बधाई देना चाहता हूँ हमारे इस लोकतंत्र में रहने के लिए। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम हिंदुस्तान जैसे महान देश में रहते हैं। महान संस्कृति के अंग हैं हम, और उसी हिंदुस्तान के इस गणतंत्र दिवस पे आज की शाम हम हमारी संस्कृति को समर्पित कर रहे हैं। एक बार हमारे गणतंत्र के लिए, हमारी इस महान परंपरा के लिए, और हमारे देश भारत के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कर्नल श्री प्रताप सिंह राठौड़ और श्रीमती राठौड़, मैं तारक मेहता व्यक्तिगत रूप से और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से बेहद बेहद आभारी हैं हम आपके कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकारा और आप गोकुलधाम सोसाइटी में पधारे। राठौड़ साहब, जैसा कि मैंने आपको बताया था कल कि गोकुलधाम सोसाइटी
एक बिल्कुल मिनी हिंदुस्तान है, अलग अलग संस्कृतियों के लोग, जैसा कि आपने देखा आप उनसे मिले। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यहाँ संस्कृतियाँ अलग हो सकती हैं, धर्म अलग हो सकते हैं, जाति अलग हो सकती है, लेकिन सबके दिलों में बसता है हिंदुस्तान। तो आइए आज की गणतंत्र दिवस की संध्या के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का जोशपूर्ण और बेहद बेहद उल्लास भरी शुरुआत करने के लिए मेरे पास एक नाम है। और आप जानते हैं जब जोश उल्लास उमंग की बात होती है तो गोकुलधाम सोसाइटी में एक ही नाम होता है। तो मैं बुलाना चाहता हूँ सरदार रोशन सिंह सोढ़ी और उनकी पत्नी रोशन कौर सोढ़ी को इस प्रस्तुति के लिए। जोरदार तालियां। कहने की जरूरत पड़ेगी कि इतने शानदार उत्साहपूर्ण नृत्य के लिए एक बार जानदार तालियां हो जाए। भाई सोढ़ी साहब कमाल कर दिया आपने, बहुत अच्छे। इस प्रस्तुति के बारे में क्या कहूं, इस प्रस्तुति को देखने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ दो पंक्तियां आती है जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी इस प्रस्तुति में सच्चाई है, मोहब्बत है और ईमान है। सिख भाई मराठी गाने पे नृत्य करें, यही सच्चा हिंदुस्तान। क्या बात है, क्या बात। अब मैं बुलाना चाहता हूँ, सोचिए तो कि मैं किसे बुला रहा हूँ। अब मैं बुलाने वाला हूँ हमारी सोसाइटी के एकमात्र शिक्षक आत्माराम तुकाराम भिड़े। जरा हो जाए खड़े, जो बात बात में सबसे लड़े, मतलब प्यार से। आइए भिड़े, दो तालियों से स्वागत कीजिए। आइए भाई कहना पड़ेगा, क्या बात है कि हमारे आत्माराम तुकाराम भिड़े सिर्फ सोसाइटी चलाने या बच्चों को पढ़ाने में नहीं, कमर हिलाने में भी लाजवाब है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई, कमाल कर दिया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने इस नृत्य की प्रस्तुति की। क्या कहूँ, मुझे कई बार हिंदुस्तान के बारे में लगता है कि इस जैसा देश पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। कितनी सारी संस्कृतियां,
कितने सारे रंग, कितने सारे धर्म, कितनी सारी जातियां, कितनी सारी भाषाएं, कितने सारे त्योहार, कितने सारे उत्सव और कितने सारे लोग, लेकिन सबके दिलों में बसता है हिंदुस्तान। तो अब अगली प्रस्तुति के लिए किसे बुलाया जाए मित्रों? अगली प्रस्तुति थोड़ी भारी भरकम होनी चाहिए। और कर्नल साहब, जब भारी भरकम प्रस्तुति की बात चलती है तो हमारे पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है। हमारे पास एक ऐसे व्यक्तित्व उपलब्ध है कि जब वो प्रस्तुति करते हैं तो वो इतनी भारी भरकम होती है कि बाकी सारी प्रस्तुतियों के वजन कम हो जाते हैं। पेशे से डॉक्टर हैं, लोगों को गोली देते हैं और गोली से इतना प्यार है कि अपने बच्चे को भी गोली कहते हैं। डॉक्टर हंसराज हाथी और मिसेस कोमल हाथी। अरे इतना जोरदार गाया कि सब डांसर लोग गिर पड़े सब। क्या बात है, क्या बात है। हमारा महान देश हिंदुस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, कितनी भाषाएं, कितने धर्म, कितनी जातियां, अनेकता में एकता जिसकी सबसे बड़ी विशेषता है। लेकिन लगता है कि अब अनेकता रह गई है, एकता ना जाने कहां चली गई, क्योंकि हमारी पहचान एक हिंदुस्तानी न होकर एक गुजराती, एक बंगाली, एक मराठी, एक पंजाबी होकर रह गई है। और शायद इसी बात की नाराजगी कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ को, और यही नाराजगी दूर करने का बीड़ा ठाना हम गोकुलधाम निवासियों ने। लेकिन कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ को देख के ऐसा लगता नहीं है उनकी नाराजगी दूर हो गई। आपको क्या लगता है कि कर्नल साहब की नाराजगी दूर होगी? क्या कर्नल साहब के चेहरे पे हंसी लाने में हम कामयाब होंगे? क्या कर्नल साहब पूरा कार्यक्रम देखेंगे? भाई मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा। वो जिस अंदाज से अभी यहाँ बैठे हैं उन्हें देख के लगता नहीं कि उनकी नाराजगी दूर हो रही है। ये भी नहीं लगता कि उनके चेहरे पे हंसी आएगी। ये भी नहीं पता मुझे कि वो पूरा कार्यक्रम देखेंगे या बीच में से उठ के चले जाएंगे। उनके चेहरे पे हंसी आए ना आए, लेकिन एक बात तय है, आपके चेहरों पे हंसी जरूर आएगी। लेकिन तब तक सोचिए कर्नल साहब क्या करेंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।